सब्सक्राइब कीजिए रिएक्शन कुड़ी को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन कुड़ी। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, हाल ही में जो न्यूज में आया है कि सलमान खान का जेल हो गया था, उसने कुछ ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी था ना कि उसने कुछ ब्लैक बक को मारा था बहुत साल पहले, उसके लिए आई थिंक उसको जेल हुआ है ना 5 ईयर्स का, एंड आई थिंक वो जेल से निकल भी आया है। तो उसका एक वीडियो है, खुजली फैमिली ने एक वीडियो बनाया उसके ऊपर, तो मैंने सोचा आज इसी पे रिएक्शन देती हूँ। अगर देखा जाए तो सलमान खान वन ऑफ माय फेवरेट हीरो है, बिकॉज उसका एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है मुझे। बट लेट्स सी एक्चुअली इस वीडियो में दिखाते क्या है, उसके बाद बात करेंगे। ये वीडियो का नाम है सलमान खान के फैन और ब्लैक बक, ऑसमो स्पीक्स। ओके दोस्तों, लेट्स वॉच दिस वीडियो विथ यू ऑल। फ्रेंड्स, मैं वीडियो प्ले करती हूँ। क्या है ये? प्रकाश हो रही है पूरा। गैलेटोस प्रेजेंट्स अवेसामो स्पीक्स। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज अवेसामो स्पीकिंग। बासी रोटी की बदबू की तरह कुछ ही रोज पहले ये खबर बहती हवा में लहराते हुए हमारे कानों में पड़ी कि सलमान खान ने आज से 20 साल पहले काले हरण यानी कि ब्लैक बक का शिकार करके काला कांड कर दिया। बांग्लादेश वासियों ने भाई ब्लैक बक का शिकार कर करके उनकी नस्ल के ही नस्ल लगा दिए, यानी कि ब्रदर कंप्लीट एक्सटिंक्शन। बची कुची ब्लैक बक की तादाद इंडिया में है, जिसके शिकार करने पर बहुरंगी किस्म की पाबंदी है। तो बस फिर एक बार फिर सल्लू भाई को जेल की हवाओं ने याद किया। तेरे नाम का दिखा रहा है, आंखों से सोचते हैं कि फुल शियारी में की हुई खताओं की माफी मगफरत क्षमा मांगते हुए सलमान भाई ऊपर वाले से यही दुआ करते रहे कि काश मैं इस बुरे एक्सपीरियंस को भुला सकूं। बहुत तकलीफ हो रही भगवान, आजकल सांस भी नहीं ले जा रही मुझसे। मेरे लिए प्लीज एक इतना छोटा सा काम कर दो, इतनी ताकत दो मुझे कि मैं उसे भुला सकूं। हमारे चुलबुल पांडे को कोई एक दो अरसे बाद चुल जरूर होती है। सल्लू भाई के जेल में इतने कोई फ्रीक्वेंट चक्कर लगे हैं, जिस तरह 26 पे एसी चलाने वाला एक मिडिल क्लास आदमी इजी लोड की दुकान पे हर हफ्ते 2 बार चक्कर लगाता है। सलमान भाई के जेल की बात को अगर खोपचे में रख के उनके मूवीज की बात अगर करें तो उनमें एक ही लॉजिक नजर आता है कि कोई लॉजिक नजर नहीं आता। सल्लू भाई की फिल्मों का एक्शन अनएक्सप्लेनेबल होता है। अरे भैया, कहीं 2 पहियों पे कोई गाड़ी चल रही होगी, किसी अंडरपास से भैंस तो हेलीकॉप्टर निकल आएगा, कोई मातर चितर शीशे फोड़ के चिंची रोक रहे होंगे, लेकिन बॉस कुछ भी हो जाए भाई के फैंस ही रहेंगे। क्या आप लोग सलमान खान के फैंस हैं? वो वाला हेयर स्टाइल काफी चला था ना। ओ भाई ने काला हरण मार दिया, भाई को जेल हो गई है पहन। मतलब कि भाई साहब, इंसान चांद पे चला गया, एलियन जमीन पे आ रहे हैं और ये अभी तक पुल करने वाले दरवाजे को पुश कर रहे होते हैं। फिर ऐसे जियाले जबड़े फैंस भाई के जेल जाने की खबर सुन के पागल होके बावले होके खोते को हवाई ठुमके क्यों नहीं मारेंगे, क्यों नहीं दिमाग के पेच ढीले होंगे, क्यों नहीं पगला जाएंगे? अरे सल्लू भाई के एक्शन से इंस्पायर होके तो हमारे पिंडी के रामी जा कुछ खोतों की वीलिया मार रहे होते हैं। भाई की मूवी देखने के बाद उनके सच्चे फैंस के रिव्यूज हमेशा इस तरह होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इट इज सो गुड मूवी, इज डेफिनेटली वी शुड सी दिस मूवी, इफ यू विल नॉट सी दिस मूवी हाफ ऑफ द लाइफ इज वेस्ट। व्हाट ए रोल ही प्लेड, आई कैनॉट अंडरस्टैंड, माय माइंड इज फ्लैटेड। फैंस के अनगिनत मुर्गे और बकरे कुर्बान करने वाली मन्नतों और दुआओं के बाद भाई को पूरे 2 दिन के बाद आखिर बेल हो ही गई। खुशी का मारे सरजी लोगों ने अन्य वाह खुसरे नचा के उनको जॉन सीना वाले आखिरी दाव भी लगाए। बेल होने के बाद खुशियों की ऐसी हनेरी चली के फैंस के तो एक्साइटमेंट में 2 अनार हिल गए। के फैंस तो वहाँ पे बैंड बजा और मुद्रा मस्ती करा रहे थे, लेकिन भाई को कसम खुदा की यकीन ही नहीं आ रहा कि उनको बेल हो गई है। आपकी बेल हो गई है? कोई खुशी नहीं है? कौन है भाई तू? ओवर द एज हो गई आपकी बेल? मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई होगी। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी बेल हो। अबे तो मैंने क्या बोले? मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेल हो गई है या नहीं हुई है। अबे कौन है यार तू? मेरी बेल हो गई है? हाँ सलमान भाई फिल्में जैसी भी बनाते हो हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन एक बात तो तय है कि उनकी फिल्में अच्छा कमाती हैं और उनमें से अच्छा खासा हिस्सा चैरिटी के फंड्स में जाता है। हिम्मत जुर्रत गैरत वाला
सलमान खान भी सलमान खान, अगर सलमान भाई तीली से पूरे शहर को आग लगा दें तो फिर भी आप सलमान खान की मूवीज देखेंगे, क्यों? क्योंकि भाई 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 क्या हाल है भाई। सो इफ यू आर सलमान खान फैन, दिस वीडियो वाज नॉट मेड टू हर्ट योर फीलिंग। बस भाई को थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मैं भी शादी कर लेनी चाहिए, बस इतना है कि यार उससे कोई इंसान या जानवर हर्ट ना हो। शर्टें भेजने का टाइम आ गया। इस तरह की हमारी कूल डिशेस खरीदने के लिए fanstore.pk/kudli family पर जाओ और हमारी मर्च परचेस करो यार, करो। लगे हाथ हमें सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। ओके, तो वीडियो तो देखा हमने, बट आई थिंक उसने बहुत सेफ प्ले किया है, उसने इतना कुछ बताया नहीं कि हाँ सर, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे जन सलमान खान के फैन हैं, एंड यस टू एन एक्सटेंट मैं भी उनकी फैन हूँ, उनकी मूवीज बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अगर सपोज उसने किया है ऐसा, मतलब ब्लैक बक को इतने साल पहले मारा है, तो आई थिंक लॉज शुड बी लॉज फॉर एवरी वन, आई मीन सेम होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल अगर एक ह्यूमन को कोई भी मारता है तो उसको जितना पेन होगा तो ब्लैक बक को भी उतना ही होगा ना। एंड आई थिंक ये सब लॉज रखे थे बिकॉज ब्लैक बक रेयर है, तो इसीलिए आई थिंक और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। बट मुझे ये चीज़ गलत लगती है कि अगर लॉ है और वो लागू हो रहा है बिकॉज एक्चुअली में किसी ने कुछ क्राइम किया है, तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को, जैसे सलमान खान इतने बड़े सेलिब्रिटी है, इतना कॉन्टैक्ट है उनका, तो वो निकल गए बेल से। तो आई थिंक अगर किसी ने भी, लाइक बी इट एनीवन, सलमान खान हो जाए, कोई भी हो जाए, अगर उन्होंने क्राइम किया है तो ये सज़ा तो मिलनी चाहिए एज पर वॉट आई थिंक, बिकॉज आफ्टर ऑल एनिमल को भी दुख होता है यार, पेन होता है। यस, फैन होना एक अच्छी बात है, फैन हो पॉजिटिव चीज़ों के लिए, आप उनको फॉलो करें फैन हो, बट यस अगर सलमान जी ने ऐसा कुछ नेगेटिव किया है जिसकी वजह से उनको जेल हुआ है, तो आई थिंक वो चीज़ नहीं सपोर्ट करके रिमेनिंग चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, उनका उनके काम को, उनके नेक काम, वो बींग ह्यूमन का कैंपेन्स चलाते हैं, दैट ऑल इज़ रियली नाइस, एंड उस सब के लिए बराबर दो, डोंट यू थिंक गाइस? आई तो थिंक दिस ओनली। तो अगर आप सहमत हो मेरे बातों से तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, अगर आपका कुछ अलग व्यू पॉइंट है वो भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो देर किस बात की, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर ही दीजिए, मैं आती रहूँगी ढेर सारे वीडियोज लेके, तब तक के लिए क्या है, टाटा, हैव अ नाइस डे, डू स्टे सेफ।